वेलकम फ्रेंड्स, एग्जाम डे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी यूपी पुलिस की 49,000 वाली भर्ती के रिजल्ट का लंबे समय से इंतजार कर रहे हो तो लीजिए ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए आ चुकी है। यूपी पुलिस की 49,000 वाली भर्ती का रिजल्ट अभी अभी कुछ मिनट पहले घोषित कर दिया गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम यूपी पुलिस की ऑफिशियल साइट पर है, जहां पर अभी आपको विज्ञप्ति सूचना प्रोवाइड कराई गई है 20/11/2019 को, जिसमें आपको दो नोटिस दिए जा रहे हैं। पहला नोटिस आपका है जिसमें आपके कट ऑफ के बारे में जानकारी दिया गया है, कितना आपका कट ऑफ गया है। दूसरा यहाँ पर नीचे दिया जा रहा है बुलाए गए अभ्यर्थियों की सूची दी जा रही है, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो इस सूची में आप अपना नाम, रोल नंबर सब कुछ देख लीजिएगा। अगर आपका इसमें नाम है तो आपका यहां पर सिलेक्शन हो गया है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आपको रिजल्ट अपने डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया है, जिससे आप डायरेक्ट अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, यहां पर हमने ऑफिशियल नोटिस को पहले से डाउनलोड कर लिया है, जिसमें आपका कट ऑफ के विषय की पूरी जानकारी दी जा रही है। अगर आपको नोटिस डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है ऑफिशियल साइट से, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया है, वहां से जाकर आप इस कट ऑफ के नोटिस को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। देखिए दोस्तों, यहां पर दिया जा रहा है कि जो आपका यह भर्ती है 2 अक्टूबर 2018, यानी कि आपका 49,000 वाला भर्ती है। इसके बाद दोस्तों, जो आपका नोटिस दिया जा रहा है 20 नवंबर 2019, यानी कि अभी कुछ मिनट पहले आपका नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के 31,360 पद है तथा आरक्षी पीएससी 18,208 पदों पर भर्ती कराई जा रही है। इसके बाद दोस्तों, यहां पर सबसे जरूरी बात जो आपको देखने को मिल रही है कि यहां पर भर्ती बोर्ड ने ना तो डेढ़ गुना ना ही दो गुना, सीधा यहां पर ढाई गुना अभ्यर्थियों को ही बुला दिया है। यानी कि दोस्तों, इस बार आपका पूरा ढाई गुना अभ्यर्थियों को ही बुलाया गया है, यानी कि लगभग 1,25,000 के करीब जो अभ्यर्थी हैं उनको यहां पर पास किया गया है। अब दोस्तों, जरा कट ऑफ के बारे में आपको बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आपका कट ऑफ है, यहां पर जो अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी है, यानी कि जनरल कैटेगरी, उनका कट ऑफ जा रहा है 185.3465 विथ नॉर्मलाइजेशन, यहां पर जानकारी दिया जा रहा है। यानी कि दोस्तों, यहां पर बहुत ही कम नंबर वाले का भी सिलेक्शन इस बार देखने को मिल गया है। इसका दोस्तों, अगर ओबीसी की बात करें तो उनका है 172.3272। इसका दोस्तों अगर बात करते हैं यहां पर एससी कैटेगरी की, तो उनका कट ऑफ जा रहा है 145.3909। अगर दोस्तों बात करें एसटी कैटेगरी की, तो उनका जो कट ऑफ है वह 114.1932 गया है। इसका दोस्तों, अगर यहां पर हम आपको बता दें कि अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप इस नोटिस को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। बाकी यहां पर जितने भी कैटेगरी दी जा रही है, सभी कैटेगरी का यहां पर दिया जा रहा है। इसका दोस्तों, जो स्वतंत्रता सेनानी है और होमगार्ड भूतपूर्व श्रेणी के सैनिक है, इनको सिर्फ पास होने के लिए दिया जा रहा है कि अगर इन्होंने एग्जाम दिया है, थोड़ा बहुत अच्छा नंबर है, तो इनको यहां पर बुलाया जा रहा है। इसका दोस्तों, चलिए ये तो बात हो गई कि आपका कितना कट ऑफ गया है। और देखिए दोस्तों, अगर यहां पर दो गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते तो जो मैंने आपको कट ऑफ बताया था, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ है, लेकिन ढाई गुना अभ्यर्थी बुलाए गए, तो इसलिए बहुत अच्छी बात रही कि आपका कट ऑफ बहुत ही कम हो गया है। दोस्तों, पूरी ऑफिशियल यहां पर जानकारी मैं आपको प्रोवाइड सबसे पहले प्रोवाइड करा रहा हूं। अब चलिए चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि आपकी जो लिस्ट है, जो अभ्यर्थी पास हुई है, उनकी लिस्ट हम आपको दिखा देते हैं। चलिए उसको देख। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये रही वो डीबीपीएसटी की लिस्ट जो अभ्यर्थी यहां पर पास हुए हैं। तो पूरा लिस्ट यहां पर मेरे पास आ चुका है, मैं आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करता हूं। सबसे पहले तो आप लिस्ट को देख लीजिए। देखिए यहां पर लिखा है यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2018 बी, मतलब आपका जो 49,000 वाला दूसरा भर्ती है 2018 का, उसके बारे का आपका रिजल्ट जो है वह जारी किया गया है। लिखा है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर डीबीपीएसटी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रोल नंबर, रोल नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पर यहां पर आपका लिस्ट तैयार किया गया है। देख सकते हो दोस्तों, यहां पर आपका एक अभ्यर्थी दिए जा रहे हैं, जिनका यहां पर रोल नंबर दिया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, डोमिसाइल, जेंडर और जो डीवी लोकेशन है वो दिया जा रहा है। साथ में दोस्तों, जो इनका डीवी का सेंटर है, वो डीवी का सेंटर भी आपका दिया गया है कि आपका डीवी कहां कराया जाएगा, डीवी का डेट भी आपका दिया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, पूरी जानकारी आपको यहां पर प्रोवाइड कराई जा रही है और यहां पर अभ्यर्थी अपना लिस्ट में नाम आसानी से देख सकते हो। अगर आपको लिस्ट डाउनलोड करने में कोई दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल चिंता ना कीजिएगा, क्योंकि इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से जाकर डायरेक्ट आप लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो। बिल्कुल हम आपके लगातार सपोर्ट में खड़े रहेंगे। और अभी थोड़ी देर बाद दोस्तों, यहां पर हम आपका रोल नंबर, जो आपका नाम है, उसमें चेक करने वाले हैं किन किन अभ्यर्थियों का इसमें लिस्ट में नाम आया है, तो बने रहो। दोस्तों, एक चीज आप देखने को मिली होगी कि यहां पर आपको राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा, इधर आप देखिएगा ध्यान से, जब मैं पेज को स्लाइड करता हूं, कि लगभग आपका 3594 पेजेस का ये लिस्ट है। और दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो कि बहुत ही व्यापी तरीके से आपका रिजल्ट घोषित किया गया है। तो सभी अभ्यर्थी अपना ध्यान से रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी पसंद आए तो दबाकर शेयर कीजिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।